हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जिसमें 100 से भी ज़्यादा रिक्त पद हैं। यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी के लिए पीएचडी पर सिलेबस करियर यूजीसी नेट। उसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पर विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं, स्क्रीन पर कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। ये वैकेंसी जो है वो है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से है। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.svvu.edu.in एंड द फील्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रेट 1500 फॉर SC/ST एंड PWD PH कैंडिडेट्स बाई वे ऑफ क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन अ फेवर ऑफ द, आप यहाँ पे देख सकते हैं द कंट्रोलर यहाँ पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे कंट्रोलर लिखा हुआ है। SVVU तिरुपति ऑन एनी नेशनलाइज बैंक पे एबल एट तिरुपति चेक एंड कैश आर नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको ड्राफ्ट बना करके बनाना है फेवर में, तक यहाँ पे कंट्रोलर लिखा है, मेरे हिसाब से कंट्रोलर होना चाहिए। SVVU तिरुपति शुड बी सेंट इन अ पर्सन और बाई रजिस्टर स्पीड। आप जो है कि किसी पर्सन से भी भेज सकते हैं, आप स्वयं वहीं के रहने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी के आसपास के हैं तो भेज सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। द रजिस्ट्रार श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डॉक्टर YSR भवन तिरुपति 517502 ऑन बिफोर 22 मई 2021। तो यहाँ 22 मई से पहले आपको भेज देना है। फीस आपकी 1000 और 500 रुपये है। जर्नल के लिए 1000, SC/ST PH कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। 25 मई से पहले आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप 7th नंबर देखें। इन रेस्पेक्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट द नेट स्लैट सेट क्वालिफिकेशन इज कंपल्सरी। तो नेट सेट और स्लैट क्वालिफिकेशन जो है वो कंपल्सरी है। नेट क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स हैविंग PhD क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय बोथ कोर्स वर्क एंड रिसर्च एज पर UGC रूल्स। अ कैंडिडेट इज कंसीडर्ड एज क्वालिफाइड इन नेट ओनली इफ ही सी हैज इनक्लोज फाइनल नेट सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेशन। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है कि नेट किया है तो इस सर्टिफिकेट को आपको इनक्लोज करना होगा एप्लीकेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन इन 5 सेट शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ ऑल इंक्लोजर इंक्लूडिंग पब्लिकेशन इन A4 साइज इन स्पायरल बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 5 सेट सबमिट करना होगा इंक्लोजर्स के साथ, पब्लिकेशन के साथ, A4 साइज पेपर में स्पायरल बॉन्ड, जो स्पायरल बाइंडिंग होती है ना, वो करवा लीजिएगा। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी जो कमेंट में आप लोग हमेशा ही पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है। आइए हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वेटरनरी साइंस में 40 है, 40 डेयरी साइंस में 2, फिशरी साइंस में 4, एग्रीकल्चर साइंस में 1, एसोसिएट प्रोफेसर में वेटरनरी साइंस में 64, 64 डेयरी साइंस में 2, फिशरी साइंस में 4। फिगर इन पैरेंथेसिस इंडिकेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज द यूनिवर्सिटी रिजर्व, ये तो हमेशा ही लिखा रहता है। एड्रेस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स। तो अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को जहाँ पर भी आपका जो भी अप्लाई करना है तो जिस भी पोस्ट के लिए उससे संबंधित जो है कि आप प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी ज़रूर देखें।
तो यहाँ पर देखिए बाइफरकेशन करके बताया गया है टेबल में, आप देख सकते हैं आराम से चीज़ों को। काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है, चीज़ों को डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा होता है डिटेल नोटिफिकेशन, जिससे कि कोई भी डाउट माइंड में नहीं रह जाता है। ये देखिए, ये है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये देखिए, इसी आधार पे आपको जो है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% टू लेस देन 80%, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 80% के ऊपर है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। 80% या 80% के ऊपर है, 80% या 80% के एवो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। उसी तरह अगर 60% या उससे ऊपर मगर 80% से कम तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना एपीआई काउंट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, 25 और 23। एमफिल के लिए उसी तरह है, 5 और 7। पीएचडी के लिए 30, नेट विद जेआरएफ 7, नेट 5 और स्लेट सेट 3 है। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल अवार्ड जो है इसके लिए 3 है, स्टेट लेवल के लिए 2 है। रिसर्च पब्लिकेशन जर्नल विथ नैस रेटिंग ऑफ 4 एंड एवो, फर्स्ट ऑथर 3 मार्क्स, 2 ऑथर्स 2 मार्क्स एंड 3rd एंड एवो 1 मार्क्स। तो इस तरीके से है 10 मार्क्स के रिसर्च पब्लिकेशंस। इसके बाद है टीचिंग डॉक्टरल एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस इन रेगुलर सर्विस यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है टोटल। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि एमफिल प्लस पीएचडी, चाहे एमफिल पीएचडी दोनों है तब आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पीएचडी है उसके 30 मिल गए तो एमफिल के अलग से मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह देखिए, एमफिल के लिए यहाँ पे मार्क्स आपको बताए गए हैं, जैसा कि एमफिल के लिए यहाँ पे आपको 7 मार्क्स और 5 मार्क्स बताए गए हैं रेस्पेक्टिवली, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जितना भी है आपका। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप पीएचडी हैं तो एमफिल के मार्क्स जोड़ के ये 35 या फिर 37 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 30 ही रहेंगे। उसी तरह अगर आप जो है कि जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा, नेट है तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, नेट जेआरएफ बोथ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा 7+5 हो जाएगा, जी नहीं 7 ही रहेगा। अवार्ड मैक्सिमम जो है वो 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पर जो है ये एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटी वगैरह दी हुई है, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ आप देख लें। आप डिफरेंट डिफरेंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पे बैंड है 57,700 से 1,82,400। आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें फॉर्म अटैच किया गया है। पेज के ये जो थे पीडीएफ है, एडवर्टीजमेंट है, काफी डिटेल एडवर्टीजमेंट है दोस्तों। मैंने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जितनी भी थी मैंने आपको बता दी। सब्जेक्ट भी क्राइटेरिया वाइज अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।